दोस्तों, अगर आप मार्केट में कभी सब्जी खरीदने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि मार्केट में टमाटर के दो अलग अलग टाइप पाए जाते हैं। पहला तो देसी टमाटर होता है जो गोल सा होता है, और दूसरा होता है लंबा लाल रंग का टमाटर। इस लाल रंग के टमाटर को चेरी टोमेटो भी कहा जाता है क्योंकि इसका शेप और रंग कुछ चेरी जैसा दिखता है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या आप अपनी किडनी की डाइट में चेरी टोमेटोस को यानी कि चेरी टमाटर को खा सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे ये टमाटर आपको आसानी से किसी भी रेडी, किसी भी मार्केट या किसी भी सब्जी की दुकान में मिल जाएगा। ये टमाटर ज्यादा खट्टे नहीं होते, पर आपके खाने में रंगत और टेस्ट जरूर ला देते हैं। अगर आपको किडनी की बीमारियां हो गई तो आपको हर चीज देख दाख के खानी होती है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी सब्जी खाने की सलाह दे दी भी जा रही है तो भी आपको ये देखना है कि आपको सब्जी का कौन सा टाइप खाना है। हर सब्जी की तरह तरह की नस्ल आती है। हर सब्जी अलग अलग रंगों में और अलग अलग जाति की भी होती है, इसलिए देख परख के ही खाना चाहिए कि आप अपनी किडनी की डाइट में क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि आप जो भी चीज खाएंगे उसका सीधा असर आपकी किडनी की बीमारियों पर पड़ेगा। अगर आपकी किडनियां हेल्दी हो तो आप कोई भी चीज आराम से खा सकते हैं, पर खराब किडनियां आपके शरीर से गंदगियां छानने में असमर्थ होती हैं। इसी वजह से आपके शरीर में किस टाइप के मिनरल्स जा रहे हैं और किस तरीके के विटामिन्स जा रहे हैं, इस पर आपको पूरा ध्यान रखना होता है। कई तरीके की सब्जियां किडनी की बीमारियों में आपके लिए इसी वजह से जानलेवा हो जाती हैं। इसलिए अच्छा खाएं और अपनी किडनियों पर पड़ने वाले जोर को कम करते जाएं। चेरी टमाटर भी एक ऐसी सब्जी है जो अपने टेस्ट के लिए जानी जाती है, और इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन भी होते हैं जो आपकी सेहत के लिए काफी अच्छे होते हैं। तो CKD के पेशेंट टमाटर तो खाने की सोचते ही हैं, पर उन्हें ये भी देखना चाहिए कि क्या वो चेरी टमाटो खा सकते हैं। फिलहाल हम अपना फोकस चेरी टमाटर पर ही रखेंगे, और अगले कुछ वीडियो में हम आपको देसी टमाटर के बारे में भी जरूर बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं चेरी टमाटो के बारे में। टमाटर का सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसमें विटामिन सी होता है, और वो भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में। विटामिन सी का सबसे बड़ा फंक्शन होता है कि आपके शरीर से फ्री रेडिकल्स को निकाल के बाहर कर देता है। फ्री रेडिकल्स एक ऐसी चीज होती है जो आपके शरीर के अंगों को, जिनमें से किडनी भी एक है, उन्हें जल्दी बूढ़ा करती रहती है। और आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ते जाएंगे तो आपकी किडनियां और भी तेजी से फेल होती जाएंगी। विटामिन सी का एक और बड़ा फायदा ये होता है कि वो आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा कर देता है। किडनी की बीमारी के दौरान, जैसा कि आप जानते होंगे, आपको अपनी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रखनी होती है, जिससे आपके शरीर में किडनी की बीमारी के दौरान और कोई बीमारी ना लगे। किडनी की बीमारी के दौरान आपको ऐसी सब्जियां खानी चाहिए जो पौधों में फल की तरह लगती हो, और चेरी टोमेटो भी बिल्कुल एक इसी तरीके का फल है। इसमें टार्टरिक एसिड भी बहुत होता है। टार्टरिक एसिड से आपका डाइजेशन अच्छा होता है। किडनी के पेशेंटों में डाइजेशन की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और इसी वजह से उनको भूख भी नहीं लगती। अगर उनका पेट साफ रहेगा तो उनका दिल भी खुश रहेगा और उन्हें भूख भी लगातार लगती रहेगी। किडनी की बीमारी के दौरान तरह तरह की चीजें खाने की जरूरत होती है, जिनसे उनके शरीर में जरूरी पोषण जाता जाए, और ऐसे में टार्टरिक एसिड आपकी भूख बढ़ाकर आपको ये सब खाने की काबिलियत दे सकता है। टमाटर खाने से आपका यूरिन का आउटपुट भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। अगर आपके शरीर में यूरिन नहीं बनेगा तो ये आपके लिए काफी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस वजह से आपके शरीर में तरह तरह के इन्फेक्शन होते जाएंगे। टमाटर खाने से एक्स्ट्रा यूरिन बनने लगता है, जिससे आपके शरीर की गंदगियां निकल के बाहर आ जाती हैं। चेरी टमाटर में लाइसोपीन की मात्रा भी बहुत ही ज्यादा होती है। लाइसोपीन होने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, और किडनी की बीमारी के दौरान स्किन में होने वाली खुजली आपको नहीं होगी। किडनी की बीमारी के दौरान पूरी स्किन में बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है, और ये किडनी के फेलियर का एक बहुत बड़ा संकेत होता है। ये आपके शरीर के लिए काफी इरिटेटिंग भी होता है, इसलिए आप चेरी टमाटर में मौजूद लाइसोपीन को इस्तेमाल कर आप अपनी ये खुजली जरूर मिटा सकते हैं। तो यानी कि आप चेरी टोमेटो किडनी की बीमारी के दौरान आराम से खा सकते हैं। यह आपकी किडनी की बीमारी में काफी आपकी हेल्प करेगा, और आपके किडनी फेलियर को काफी धीरे करने की कोशिश कर सकता है। आप अपनी किडनी की बीमारी के दौरान चेरी टोमेटो पर काफी ट्रस्ट कर सकते हैं।
पर आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि किडनी के बीमारी के दौरान भी आपको चेरी टोमेटो को एक प्रॉपर अमाउंट में लेना है, जिससे आपकी किडनी पर बर्डन ना बढ़े। इसलिए अपनी किडनी के बीमारी के दौरान एक एक्सपर्ट डाइटिशियन से और एक एक्सपर्ट डॉक्टर से फ्री कंसल्टेशन लेने के लिए नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबर पर कर्मा आयुर्वेदा को कॉल करें। कर्मा आयुर्वेदा ने देश विदेश में फैले 35,000 से ज्यादा लोगों की किडनी की बीमारियों को ठीक कर दिखाया है। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। संगीता दास। कहाँ के रहने वाले? उड़ीसा, संबलपुर। काफी दूर से आए हैं सर। जब आए थे उस समय क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको संगीता जी? चलने में थकावट हो रही थी, अभी भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। पहले से कम है? हाँ, पहले से कम है। और क्या क्या भूख नहीं लग रही थी? अभी भूख लग रही है। ठीक है, ज्यादा नहीं, कम लग रही है। ठीक है। और भी काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस थी जब आप आए थे, क्रिएटिनिन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। बढ़ रहा था, अभी कम हो रहा है, कंट्रोल हुआ है। बहुत अच्छी चीज है, बहुत आसान है। और क्या क्या तकलीफ हो रही थी? आप तो देख रहे होंगे साथ में। क्या सर, इधर आइए, सामने आइए, आप आइए आइए। हाँ बताए ना, क्या यूरिन में झाग जा रही थी? पहले से तो काफी फर्क पड़ा है। क्रिएटिनिन पहले बहुत तेजी से इनका इंक्रीज कर रहा था, 5.6 तक बहुत तेजी से धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा था, लेकिन अभी ठीक है, कम रहा है। तो अच्छा कर रहा है सर। देखिए, क्रिएटिनिन जब आए थे 5.6 के आसपास था इनका, और ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में चल रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। उड़ीसा से ही इन्होंने रिपोर्ट्स कराई, और अब एक लेटेस्ट इन्होंने कराई है, इसके अंदर 3.1 की रेंज में आ चुका है। 3.1 की पहले बढ़ा नहीं है और रिड्यूस भी हुआ है। और किस किस प्रकार से इस क्रिएटिनिन को रिड्यूस किया जा सकता है, इस गंभीर किडनी की बीमारी को मात दी जा सकती है, जो इस उसी उसमें आज एक और कड़ी जुड़ गई संगीता के नाम से, जिनका क्रिएटिनिन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, आज हमारे साथ है। उड़ीसा संबलपुर, काफी दूर है सर। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर दूर से आज यहाँ पे आई हुई हैं उड़ीसा से, और बहुत गंभीर उस समय प्रॉब्लम थी इनको, और अभी काफी हद तक इनको रिलीफ मिला है, आराम मिला है, तो अच्छे से इन्होंने फॉलो भी करा जैसे जैसे बताया था। तो देखा आपने कैसे कर्मा आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक ज्ञान ने इस पेशेंट की किडनी की बीमारियों को ठीक कर दिखाया है। आशा है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेल्दी रहें, खुश रहें। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 09871712050, 01124644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।